मानव जीवन को सार्थक करने के कुछ सूत्र बताऊंगा। और परम सुख मिलता है परमात्मा के ध्यान में, इस पर भी चर्चा करूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज मन में बहुत बेचैन रहती है, इसका क्या उपाय, इस पर भी चर्चा करूंगा। और साथ साथ आज नुस्खों में बताऊंगी चेहरे पर निखार कैसे लाया जाए। लेकिन उससे पहले आज की पंचांग की चर्चा करते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, विक्रम संवत 2067 माघ मास की 20 प्रविष्टि, सेक्शन 1932 माघ 13 तदनुसार बुधवार 2 फरवरी सन 2011 प्रातकाल नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि। राज का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक, और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया है। ये शास्त्रोक्त संदेश है मर्जी आपकी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां रहे, कारोबार में वृद्धि हो, इस राहु काल के दौरान में 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में 108 बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें और वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जाप करने से जीवन की बहुत सी परेशानी का निवारण हो जाएगी। अद्भुत प्रयोग है राहु काल के दौरान करना। नमोना ने बात करते हैं आज की यात्रा की। आज दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन साबुत धनिया चबाते यात्रा पे निकल जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमोना ने बात करते हैं प्रातकालीन लगन। प्रातकालीन लगन मकर लगन, लगन में सूर्य मंगल और बुध बृहस्पति मीन राशि में, शुक्र और राहु धनु राशि में, शनि कन्या राशि में, केतु मिथुन राशि, ये है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमण काल इन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपकी अपने राशिफल की जो ग्रह नक्षत्र प्रदान है। नहीं उससे पहले हर रोज आज का गुरु मंत्र। मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत जरूरी है, मनुष्य एक सबसे बड़ी बात है उसका ध्यान, अगर वो है कि आप अपने को देखना शुरू करें। हमारी जो आदत है अंगुली उठाने की, इस अंगुली को अपनी ओर कर देंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। हमेशा पराई थाली में घी ज्यादा नजर आता है, हम दूसरों की थाली को देखकर अपनी थाली का निर्णय लेते, ये हमारे जीवन में कष्टों से भरा है, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आप दूसरों को नहीं देखें, दूसरों को देखें, लेकिन अपने को जरूर देखें। जो मनुष्य अपने को देखकर जीवन में आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी हार नहीं मानता है। मनुष्य को मानव जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत जरूरी है भीतरी तरंगों के साथ, भीतरी ध्यान के साथ जुड़ना। और ध्यान करने से मनुष्य के अंदर उत्कृष्ट गुणों का प्रादुर्भाव होता है, परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अपने अंततम में अनुभव होता है। जब मनुष्य भीतर जाता है, भीतर की गहराई में डूबता है तो जीते जी उस परमानंद परम सुख और परम शांति का अनुभव कर लेता है। देखिए पुस्तकों को पढ़ना, प्रवचनों को सुनना, ये आपके लिए बहुत सुंदर है, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर है परमेश्वर के प्रति अपनी अस्तित्व को समर्पण करना, अपने व्यक्तित्व को तन मन से प्रभु के प्रति समर्पित करने और प्रभु के बंधों की सेवा करना, वे लोग जिन्हें हमारी आवश्यकता है उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करना परमात्मा की सबसे अच्छी भक्ति है। इसलिए अपने मन को परमात्मा के स्मरण में लगा दो, अपनी श्वासों को परमात्मा में बसा लो और अपने इस जीवन को अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए उन परमात्मा के उन बंधों के साथ अपना जीवन जोड़ दो जिन्हें हमारी आवश्यकता है, जो गरीब है, जो निर्धन है, जो असहाय है, जो अपंग है, जिन्हें दुनिया में कोई सहारा नहीं देता है, उनके साथ अपना जीवन जोड़ दीजिए। जीवन खुशियों से भर जाएगा, जीवन आनंद के सागर में डूब जाएगा। जीवित बुझो जीवित समझो, जीवित मुक्त निवासा और मुए मुक्ति कह गुरु लोभी झूठा देवी। जीते जी जो मुक्त नहीं होता, और जीते जी मुक्त होता है उस परमात्मा के अनन्य भक्ति से। और अनन्य भक्ति का मतलब है कि जीते जी अपने भीतर में उस प्रेम के सागर में डूबना, भीतर में आनंद का खजाना, भीतर में परमानंद, भीतर में परम सुख है, भीतर में वो खजाना है जिसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, लेकिन उसके लिए भीतर जाना, और भीतर जाने के लिए उस ज्ञान की जरूरत है जिसे तत्व ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, आत्म ज्ञान, और ये गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास में। यदि आप वहां जाना चाहते तो मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ साथ प्रभु स्मरण के साथ साथ प्रभु की उन बंधों की सेवा करना भी बहुत जरूरी जिनका दुनिया में कोई नहीं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको राशिफल का इंतजार होता है। बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। आज मन में हर्ष और उल्लास रहेगा, कारोबार में लाभ होगा, माता पिता और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आज आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नमूना ने बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों जिस तरह के घर योगा हुए, आज के दिन आपको जल्दबाजी से बचना होगा, संयम से काम करना पड़ेगा और अपनी गुदड़ी देखकर पैर फैलाना होगा। जितनी आपकी सीमा है, यदि आपके पास 5 रुपया है तो 1.5 रुपया खर्च करिए, 3.5 रुपया अपने पास रखिए, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी है, पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।
आज बहुत जरूरी है लेखा जोखे के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतना। जिस तरीके अगर योगा योग गोचर मध्यम है, सावधानी का संकेत है। भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद सुगंधित पुष्पों को अर्पित करना आपके लिए बहुत अनुकूल और बहुत ही शुभ रहेगा। नमन में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल नजर नहीं आ रही है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपके अपने अहम और ईर्ष्या के कारण अपनों से क्लेश की प्रबल संभावना है, धन की हानि होगी। आज के दिन कानूनी झंझटों से दूर रहना बहुत आवश्यक है और आज चोट और दुर्घटना की प्रबल संभावना और कहीं से अशुभ समाचार भी मिल सके। मिथुन राशि सुबह से लेकर शाम तक गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल है। घर में घी का दीपक जलाकर अरगला स्रोत का पाठ करिए, कन्याओं को भोजन करें, आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि समय अनुकूल सितारों को शुभ संग आज आपका भाग्य साथ देगा। घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। प्रियजनों से मिलने का अवसर मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, जिस तरह के घर योग रुकी हुई अधूरी कार्य पूरे होंगे। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लाभ के नए साधन उपलब्ध होंगे। सुख के साधनों में बढ़ोतरी, परिवार और हितों से पूर्ण सहयोग प्रद और मन प्रसन्न रहेगा। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में धीरे 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 प्रश्न में सुधार होगा। मानसिक और शारीरिक थकान से छुटकारा मिलेगा। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और आज धार्मिक कार्यक्रम में जाने का शुभ अवसर भी मिलेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारे उलझन का संकेत दे रहे हैं। आज जमीन जायदाद कारोबार वाहन आदि के मामले उलझ सकते हैं। आज खरीद और फरोख्त में हानि हो सकती है। वाद विवाद की प्रबल संभावना और परिवार में भी थोड़ी सी मानसिक परेशानी नजर आ रही है और सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा तुला राशि वालों को सावधान डरा नहीं रहा भाई। गोचर ये कराए कि संयम से काम करें, जल्दबाजी से बचे, पूंजी निवेश से बचे, हो सके तो व्यर्थ में किसी से तर्क नहीं करें तो आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छा रहेगा। छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए और उपाय है भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्ची लस्सी से अभिषेक करें, नमः शिवाय का जाप करते आपके लिए ठीक रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। आज सरकार से सहयोग की प्राप्ति होगी। अपनों का साथ मिलेगा। मन में उत्साह और साहस बना रहेगा। पास पड़ोस का वातावरण बहुत अनुकूल रहेगा। शुभ समाचार और धन लाभ भी होगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, घर परिवार में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का शुभ अवसर मिलेगा। हास्य विनोद में समय व्यतीत होगा लेकिन काम काज में लापरवाही नहीं बरते इस बात का। यदि काम काज में लापरवाही है तो नुकसान भी है। थोड़ा सा यात्रा में सावधान रखनी पड़ेगी और खान पान के प्रति सतर्क रहे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। प्रश्न में सुधार होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आप प्रगति और धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। आज मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ दाम्पत्य जीवन भी अनुकूल रहेगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, जिस तरह के घर युगा योग है सावधानी से काम करना पड़ेगा। आज कार्य क्षेत्र में हानि की प्रबल संभावना है। अपनों का असहयोग है। वाद विवाद की स्थिति है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और धन का अपव्यय भी नजर आ रहा है। आज जीवन साथी की उपेक्षा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों, थोड़ा सा संयम से काम करें। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। गरीब लोगों को भोजन कराएं, आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, इच्छित कार्य को पूरा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो उन्नति अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है और कारोबार में है तो कारोबार में विस्तार होगा और स्वजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नमन। यदि आवश्यक मन बेचैन रहता, अनावश्यक मन बेचैन रहता, अनावश्यक रूप से मन से आप परेशान हैं, नींद नहीं आ रही, कार्य में परेशानी का सामना करना, रविवार की रात ये उपाय शुरू कर दें। 7 मुट्ठी गेहूं पीले कपड़े में बांध, 1 लोटा जल ले, उसमें 7 चुटकी लाल चंदन का पाउडर डाल, 7 चुटकी गुड़, 7 गुलाब की पंखुड़ी डाल दें। दोनों सामान अपने ऊपर 7 बार उसार कर अपनी पलंग या खाट के नीचे रख दें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो। स्नान उपरांत ये जल ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करते भगवान सूर्य को जल चढ़ा दे और गेहूं पक्षियों को डाल दे। यदि थोड़े लोटे में थोड़ा सा जल बच गया तो दरवाजे की चौखट पर थोड़ा सा जरूर जल जरूर डालें। कुछ दिन ऐसा करी, बेचैनी दूर हो जाएगी, कारोबार में मन लग गया और बड़ी चैन से आपको नींद आएगी। ऐसा प्रयोग है जो कभी खाली नहीं गया। नमन और बात करते हैं आज के नुस्खे। कुछ लोगों का दादी महाराज, सर्दी का मौसम है, चेहरे पर रूखापन है, कच्चा आलू बारीक पीस कर चेहरे पर लेप कर, ऐसा करने से चेहरे के दाग और धब्बे साफ हो जाएंगे और त्वचा मुलायम हो जाएगी, सौंदर्य में वृद्धि होगी। ऐसा प्रयोग है जो अपने आप में बता दू, कच्चा आलू बस, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चेहरे की सौंदर्य में निखार लाने के लिए ककड़ी के रस में बराबर मात्रा नींबू का रस मिलाकर उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदे डालकर इस घोल को चेहरे पर नियमित रूप से लगाएं। लगाने के लगभग आधा घंटे बाद चेहरा साफ पानी से धो लें।
इसे त्वचा मुलायम होगी, चेहरा सुंदर बनता है, साथ ही मुखमंडल पर चमक भी आ जाएगी। अद्भुत नुस्खा है मेरा, इसको अपना कर देगा आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये सारे नुस्खे, ये सारे उपाय www.shanidham.in पर मिल जाएगा। इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है, मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आज इतना ही, और कल के लिए, परिवार में क्लेश है तो कैसे उसका निवारण हो, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कैसे हो, और कार्य में बाधा आ रही है तो उसका निवारण हो, साथ ही त्वचा में रुकापन है तो इसका छुटकारा कैसे मिले, इस पर बात करूंगा। लेकिन आज इतना ही।